चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। मुझे ये बताए, अभी अभी मतलब कुछ दिन पहले मानेश्वर को नगर निगम में घोषित किया गया, तो ये नगर निगम ही बेहतर है या फिर पंचायत ही बेहतर थी? देखो, कुछ हद तक के लिए पंचायत बेहतर है, कुछ तो नगर निगम भी ठीक है। जानू, नगर निगम कैसे ठीक है और पंचायत कैसे बेहतर थी? पंचायत तो ऐसा है कि सरपंच के हाथ में वो अपना आप काम करा लेता था अपनी मेजोरिटी से। अब नगर निगम से तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा वहाँ। हाँ जी, मैं एक सरपंच हूँ। अच्छा, एक सरपंच। हाँ। अच्छा, तो फिर आपका अनुभव कैसा रहा जब आप सरपंच थे? अरे, मैं तो 80 से 90 तक था, उस समय तो कोई ऐसी खास वो बात नहीं थी जो आज है। जानू जी, आप यहाँ मेयर के रूप में किसे देखना चाहते हैं या फिर पार्षद के रूप में किसे देखना चाहते हैं? देखो मैडम, ये तो जो बनेगा उसी को देखेंगे। अब मेरे की इच्छा से तो ना तो कोई बनता नहीं, इच्छा नहीं है, लेकिन आपकी एक वोट है तो आपका होगा ना कि मुझे फलाने को ये करना है और उसको देना है। मैडम, इस चीज के बारे में तो नहीं कहूँगा मैं। वो वोट जो ना उस समय हम देखेंगे भी कौन आदमी कैसे कैसे उठ रहे, किसको देना, कौन अच्छा है, कौन समझदार है, कौन इंटेलिजेंट है, हर तरीके से उसी को वोट देंगे। नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं तो इसके क्या कुछ मुद्दे हैं? आप एक्स सरपंच रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत अनुभव हुआ कि यहाँ के क्या कुछ मुद्दे रहे हैं। यहाँ के तो यही है जी, पानी का, सड़क का और जो ना हॉस्पिटल वगैरह का, और क्या मुद्दा होगा, देहात में तो यही चीज़ चाहिए जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और डिस्पेंसरी वगैरह कोई है यहाँ से? हाँ है, डिस्पेंसरी है। हाँ, कम्युनिटी सेंटर, बच्चों के लिए पार्क या फिर सरकारी स्कूल वगैरह? सरकारी स्कूल भी है जी। जी, डिस्पेंसरी तो मैं अपने उसमें लाए थे जी, BSC है और ठीक काम हो रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा,